हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीपीएस इमिग्रेशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप वीएफएस के अंदर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मैं आज आपको शेंगन अपॉइंटमेंट, जिसमें मैंने स्पेसिफिकली फ्रांस को चूज़ किया है, तो लगभग प्रोसेस सभी का सेम रहता है। तो आप एक कंट्री के बारे में जान लेंगे तो आप बाकी सभी कंट्रीज़ की वीज़ा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर आप गूगल को ओपन कर लीजिए। गूगल में जाकर आप VFS ग्लोबल टाइप कीजिए। जब आप VFS ग्लोबल टाइप कर लेंगे तो उसकी सबसे ऊपर जो वेबसाइट आती है उस पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट जो वेबसाइट है वो है vfsglobal.com। आप डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो हम इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, तो इंडिया सेलेक्ट कर लिया। तो अब मैं कंट्री सेलेक्ट कर रहा हूँ फ्रांस, क्योंकि मैं अभी आपको फ्रांस की अपॉइंटमेंट आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ले सकते हैं। फिर जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है बुक एन अपॉइंटमेंट। फिर आप बुक पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, अब ये अभी आपकी वेबसाइट जो है लोड होगी। अब आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करके देखिए, यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन मिल रहा है, सबमिट योर एप्लीकेशन बुक एन अपॉइंटमेंट। ये है ऑप्शन, आपको सेलेक्ट करना होगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर सबसे इजी है एशिया सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद नीचे से थर्ड जो है इंडिया है, आप उस पर सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद ये लैंग्वेज जो है फ्रेंच में आ रहा है, आप इसको इंग्लिश में पहले कर लीजिए। तो मैंने इसको इंग्लिश में कर दिया है अब, ताकि मैं इजीली रीडेबल हो। अब यहाँ पर आपको अब मिलेगा ऑप्शन, आपको देखना है होम शुड आई कॉन्टैक्ट। तो ये यहाँ पर देखिए, अब आपको नीचे मिलेगा होम शुड आई कॉन्टैक्ट, ये ऑप्शन है। अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। ये कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट ये खुलती नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा आप ओपन कीजिए। तो मैंने बैक पर क्लिक कर दिया है। मैं एक बार फिर से इस पर क्लिक करता हूँ और ये होम शुड आई कॉन्टैक्ट पर मैंने क्लिक कर दिया है। देखिए, अब ये लोड हो गया है। लोड होने के बाद अब आपको दिख रहा है यहाँ पर बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपका एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, बिफोर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट यू मस्ट फिल एप्लीकेशन फ्रांस वीज़ा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए, francevisa.government.fr। उसके बाद ये आपको नीचे आइए, नीचे आपको देखेंगे आई एक्सेप्ट बुक अपॉइंटमेंट नाउ, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा उस पेज पर। अब यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, प्लीज क्लिक हेयर टू एक्सेस अपॉइंटमेंट सिस्टम। अब आप उस पर जब क्लिक कर देंगे तो अब आपको पेज ले उस पर लेकर जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इस पर अकाउंट बना दिया है, तो अब मैं इस पर कैप्चा डाल के इसको मैं लॉगिन कर लूँगा। तो मैंने इस पर कैप्चा डाल लिया है, जैसे कैप्चा दे रखा है साइड में YIUCS, मैंने इसको टाइप कर लिया। उसके बाद मुझे कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट, अब ये पेज ओपन हो गया है अपॉइंटमेंट के लिए। अब यहाँ पर स्केड्यूल अपॉइंटमेंट है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इसको क्लिक करने के बाद अब आपका सेंटर ये फ्रांस इंडिया सेलेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब मुझे जहाँ की अपॉइंटमेंट चाहिए तो मैंने वहाँ का मुझे सेंटर सेलेक्ट करना, तो मैंने न्यू दिल्ली वहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। आप जो भी अपॉइंटमेंट आपको चाहिए, आप स्टडी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं, तो सारी अपॉइंटमेंट यहीं से बुक कर सकते हैं। तो आप जैसे कि अभी कोविड टाइम चल रहा है, तो अभी अपॉइंटमेंट बहुत सारी नहीं मिल रही अपॉइंटमेंट। तो अभी मैंने विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड्स का डाला है, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि कोई भी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है इस कैटेगरी के अंदर। अब टूरिस्ट भी देख लेते हैं, तो टूरिस्ट मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर भी कोई स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। और अब नेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं हम स्टूडेंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्योंकि अभी बहुत सारे वीज़ा क्लोज हो चुके हैं कोविड रीज़न की वजह से। एम्बेसी की अभी गाइडलाइन, अभी न्यू गाइडलाइन कुछ आएगी जिसमें वो दोबारा से वीज़ा स्टैम्पिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये अपॉइंटमेंट वगैरह भी उसी के अकॉर्डिंग डिले हो रही है, तो लॉन्ग टर्म में भी अपॉइंटमेंट नहीं है।
तो एक देख लेते हैं अब। इसी यही तरीका है बेसिकली, इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आप इजीली वीडियो इस आगे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकें। अब स्पाउस और फ्रेंच मैंने डाला है कि इसमें अगर अपॉइंटमेंट है तो ये देख लेते हैं लास्ट। तो इसमें अपॉइंटमेंट एक अवेलेबल है 30 दिसंबर की। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, कंटिन्यू पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये यहाँ पर हमसे डिटेल्स मांग रहा है, आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासपोर्ट नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। तो आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो आपको डालना है। तो मैं रफली यहाँ पर डाल के दिखा रहा हूँ कि किस तरह आपको डिटेल्स फिल करनी होती है। मैंने अपना एक रफली पासपोर्ट नंबर डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आपको देख सकते हैं अपने पासपोर्ट से। तो वही डेट फिल कर रहे हैं जो डिटेल्स आपके पासपोर्ट पर है, वही डिटेल्स फिल करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाकर। तो नेशनैलिटी मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, बाकी सब ठीक है। और कॉन्टेक्ट नंबर वही प्रोवाइड करें जिस पर आप आगे इंटीमेशन चाहते हैं, मेल भी वही सेलेक्ट करें ताकि इस पर प्रिंट आउट वगैरह जो भी आपका कंफर्मेशन है वो उस पर आ जाए। अब नेक्स्ट ये दिखा रहा है सबमिट, ये हमारी डिटेल्स इसने ले ली है। अब मैं कंटिन्यू पर जा रहा हूँ। अब कंटिन्यू पर जाने के बाद अब ये उस पेज पर लेकर जाएगा कि कौन सी डेट्स पर अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। तो अभी इस पर ये नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स इसमें अवेलेबल नहीं है, जो हमें अपॉइंटमेंट दिखा रहा था वो प्राइम टाइम की अपॉइंटमेंट दिखा रहा है जिसमें हमें एक्स्ट्रा 2 से 2500 रुपये समथिंग एक्स्ट्रा पे करना होता है अपॉइंटमेंट के लिए, जिसमें आप सैटरडे को जाके आप अपनी फाइल सबमिट करा सकते हैं। इसमें आप ऑनलाइन जाके भी, मतलब कि आप कॉल सेंटर भी कॉल करके इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वॉक इन भी जा सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। तो ये बेसिक है, जानकारी है जिससे आप अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।